हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये कैसा बलिदान है माताश्री, जिसमें भक्त को अपनी आस्था को भेंट चढ़ाना पड़ता है। आस्था मन में होती है, आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। हम सब सारा नागलोक विष्णु भक्त हैं। यदि नागलोक के सारे मंदिरों को भी हिरण्यकश्यप ध्वस्त कर दे, तब भी हर विष्णु भक्त के मन में अपने ईश्वर की छवि शेष रहेगी, जिसके आगे भक्तों के शीश झुकते रहेंगे। माताश्री, मैं उनके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं विष्णु भक्त हूँ, भगवान की पुजारन हूँ, और वो विष्णु विरोधी हैं, भगवान को मानते ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड है कि वो अपने आप को ही भगवान समझते हैं। फिर हम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ पुत्री, और तुम्हारी दुविधा को अच्छी तरह से समझती भी हूँ, परंतु राजकुमारी, तुम्हें बलिदान ही समझकर ये विवाह करना होगा। बलिदान? हाँ पुत्री, तुम्हारे पिता ने नागलोक को हिरण्यकश्यप के प्रकोप से बचाने के लिए ही तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा है। यदि तुम विवाह से इनकार करोगी तो हिरण्यकश्यप नागलोक में रक्त की नदियां बहा देगा, इसलिए तुम्हें ये बलिदान करना ही होगा। माताश्री, यदि मैंने उनसे विवाह किया तो मुझे पत्नी होने का धर्म निभाना होगा। आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं उनके अनुसार मुझे अपने पति की हर एक इच्छा की पूर्ति करनी होगी। जब तुम उनकी अर्धांगिनी बनोगी तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और जब वो मेरे मंदिर को तोड़ देंगे, मेरे भगवान विष्णु की मूर्ति को तोड़ देंगे, तो विष्णु भक्त होकर मैं ये सब चुपचाप कैसे सहन कर सकूंगी? पुत्री, ये सब सहन करना ही तो तुम्हारा बलिदान होगा। ये कैसा बलिदान है माताश्री, जिसमें भक्त को अपनी आस्था को भेंट चढ़ाना पड़ता है? आस्था मन में होती है, आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। हम सब सारा नागलोक विष्णु भक्त हैं। यदि नागलोक के सारे मंदिरों को भी हिरण्यकश्यप ध्वस्त कर दे, तब भी हर विष्णु भक्त के मन में अपने ईश्वर की छवि शेष रहेगी, जिसके आगे भक्तों के शीश झुकते रहेंगे। माताश्री, ये कहकर आपने मुझे बड़ी कठिन परीक्षा में डाल दिया है। मैंने नहीं, हो सकता है विष्णु भगवान ही तुम्हें इस परीक्षा में डालकर तुम्हारी भक्ति को आजमा रहे हैं। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप भगवान? पुत्री, स्त्री अपने पति को भी परमेश्वर मानती है, और इसीलिए तुम्हें अपने पति परमेश्वर और ईश्वर दोनों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। परंतु मैं इस परीक्षा में कैसे सफल हो सकती हूँ? पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और धीरज रखो, जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उसके सदा साथ होते हैं। पुत्री, तुम जो बलिदान देने जा रही हो सकता है भगवान इस बलिदान के बदले में तुम्हें कोई वरदान दे दे। यही प्रभु की मर्जी है, और इसी प्रकार भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो मैं ये परीक्षा दूंगी और आपके आशीर्वाद से इसमें सफल भी रहूंगी। पुत्री, तुमने अपने बलिदान से नाग जाति को रक्तपात से बचा लिया है। भगवान तुम्हारी रक्षा करें।